अपने बच्चों की जान का बदला ले रहे थे भेड़िए। वन विभाग के एक्सपर्ट्स ने आदमखोरों की बताई सच्चाई। एक दिन के हमारा ठिकाना ना है कि कौने दिन हमारे बंद है कौने दिन नहीं बंद है। अपने बच्चा को नहीं मेरे पास लेते साहेब, मेरा बच्चा नहीं पावा, हमारे बच्चा के हाथ खाए लिए, हमारे बच्चा की नट्टी काट लिए, खोर पे लिए ना मेरे बच्चा के सकल बेखा सकल कई डारे। हर बार एक नया गांव चयनित हो रहा है। हमारे बच्चा हमारा सोना चले गया, हमारा हीरा चले गया, हमारे हाथ से अब भेड़िए पकड़े ना गए तो मार दी जाएगी गोली। इन दिनों उत्तर प्रदेश का बहराइच आतंक से जूझ रहा है और आतंक है भेड़ियों का। भेड़ियों के हमलों का खौफ लगातार बढ़ रहा है। बहराइच जिले के लोगों को राहत नहीं मिल रही। इन आदमखोर भेड़ियों के बढ़ते हमलों के बीच विशेषज्ञों का कहना है कि भेड़िए बदला लेने वाले जानवर होते हैं। पिछले बरसों की घटनाओं में देखा गया कि कैसे लोगों ने भेड़ियों के बच्चों को नुकसान पहुंचाया और इसके बाद भेड़िए आदमखोर हो गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यही पैटर्न इस बार भी देखा गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पूर्व में इंसानों द्वारा उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाए जाने के बदले में ये हमले किए गए। भारतीय वन सेवा के रिटायर्ड अधिकारी और बहराइच जिले के कदरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में वन अधिकारी रह चुके ज्ञान प्रकाश सिंह अपने तजुर्बे के आधार पर बताते हैं कि भेड़ियों में बदला लेने की प्रवृत्ति होती है और पूर्व में इंसानों द्वारा उनके बच्चों को किसी ने किसी तरह का नुकसान पहुंचाया होगा या फिर मार दिया होगा, जिसके बदले के तौर पर ये हमले हो रहे हैं। ज्ञान प्रकाश सिंह अब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया में सलाहकार के तौर पर जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि 20-25 साल पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलों में सई नदी के कछार में भेड़ियों के हमले में 50 से अधिक मासूम बच्चों की जान चली गई थी। पड़ताल करने पर पता चला कि कुछ बच्चों ने भेड़ियों की एक माद में घुसकर उनके दो बच्चों को मार डाला था। भेड़िया बदला लेता है और इसीलिए उनके हमले में इंसानों के 50 से ज्यादा बच्चों की जान गई। बहराइच में भी कुछ ऐसा ही हुआ और ऐसा ही ये मामला लगता है। जौनपुर और प्रतापगढ़ में भेड़ियों के हमले की गहराई से पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि अपने बच्चों की जान जाने के बाद भेड़िए काफी उग्र हो गए थे। वन विभाग के अभियान के दौरान कुछ भेड़िए पकड़े गए, लेकिन आदमखोर जोड़ा बचता रहा और बदला लेने के मिशन में कामयाब होता गया। हालांकि बाद में आदमखोर भेड़ियों को गोली मार दी गई और ऐसी घटनाएं बंद हो गई। तो बहराइच वाले मामले में भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है, जहां पर लगातार इन भेड़ियों का आतंक बना हुआ है। कुछ भेड़िए पकड़े गए, लेकिन अभी भी आतंक जस का तस बना हुआ है। अगर अब अगले कुछ दिनों तक ये भेड़िए नहीं पकड़े गए तो इन भेड़ियों को भी गोली मार दी जाएगी, जिससे इस तरह की जान जाने का खतरा कम हो सके, बच्चों की जाने ना जाए।